नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के हरदोई के हरियावा थाना इलाके में तीन ठगों ने पिता पुत्र को घर में भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर शिकार बनाया। एसपी को दी शिकायत में उमरसेड़ा गांव के नसीम खान ने बताया कि 2 नवंबर को उसकी पुत्री वर्क उलनिशा तेज बुखार से पीड़ित थी। वह अब्दुल नगर पिहानी निवासी तांत्रिक हबीब से मिला तो उसने उसके घर में भूत प्रेत का साया बताया और तंत्र क्रिया करने की बात कही। तांत्रिक ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कराता तो उसके घर में 3 दिन के अंदर किसी की मौत हो जाएगी, जिससे वह डर गया और तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक ने उससे तंत्र क्रिया में काफी खर्च की बात कही और उससे 61,000 रुपए ठग लिए। तांत्रिक ने कहा कि वह बंगाल से तांत्रिक लाएगा। पीड़ित का आरोप है कि अब उसका मोबाइल भी बंद है और पता करने पर पता चला कि उसने कई लोगों को ठगा है। पीड़ितों ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। जी, हमारी बहन परेशान थी, काफ़ी एक महीना से परेशान थी, बुखार उखार रहता था उसको। तो हबीब हाफिज जी जो अब्दुल्ला राबे में पढ़ा रहे थे, हम वहाँ पे पहुँचे तो इनने कहा, हमारे बहनों ने कहा कि देखो हमारे यहाँ हाफिज जी पढ़ाते हैं, ये भी कर धर लेते हैं, इनको भी दिखा दीजिए। तो हबीब हाफिज जी ने हमसे पूछा, कहने अपनी बहन को यहीं लाइए, हमको यहाँ कैसे लाएँ, और घर ही पे चले चलो, जो आपका पेट्रोल वेट्रोल खर्चा लगेगा हम दे देंगे। तो जो घर पे मेरे आए तो हमारे घर पे आके इन्हें देखा कि तुम्हारे घर में ये परेशानी है और 4 आदमी की मौत हो जाएगी, चाहे आपकी बहन ख़त्म हो जाए, चाहे माँ ख़त्म हो जाए, चाहे भाई ख़त्म हो जाए, चाहे बाप ख़त्म हो जाए, तो तुम्हें अपना घर को खिलवाना पड़ेगा, तो हमको कैसे सही हो पाएगा काम। तो इन्हें कहीं ये अपने गुरु का नंबर दिया अनिल कुमार का, तो इन नंबर से कहीं बात करिए, बात करके पहले अपने आप बात की, जिसके बाद में उन्हें हमें बताया था। उन्हें कहा ये 61,000 रुपये का सामान तुम्हारा आएगा, तो हमको कहाँ से आएगा, का नाम देवा से आया था, कहीं हमको देवा हमने आज तक देखा नहीं, ना हम गए ना मुझे रास्ता मालूम, वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे। तो इन्हें कहीं आधी दूर तक हम अपना एक संगी से सामान पहुँचवा देंगे, वहाँ तक आप पैसा उनको दे देना, ये डब्बा दे देना। तो ये डब्बा हमने दे दिया, उन्हें वहाँ पे पैसा दे दिया, वो पैसा लेकर हमसे कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ, गाड़ी से हैं और किन फरुखाबाद पहुँचे हैं, अभी आ रहा हूँ। तो हमको ठीक है, जब तक हम 5 बजे तक हमने फ़ोन किया, इनके बाद तो कहें हम हरदोई आ चुके हैं और अभी आधा घंटा में हम पहुँच रहे, शाम को 6 बजे। फिर जिसके बाद में इन्हें फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जब अभी भाभी जी से कहा, हमने कहीं उन्हें कहीं उनका नंबर नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं, और हमारा ऐसे ही संपर्क हुआ था, तो हमने उनसे कहा तुम्हारा संपर्क हुआ था तो तुमने नंबर दे सकता है, क्या बताया आपके घर में क्या परेशानी, हमारे घर में परेशानी है, बताया तुम्हारे घर में भूत वूत है, तुम्हारे घर में 4 आदमियों की मौत हो जाएगी, फिर अब क्या दिक्कत है। अब जी दिक्कत यह है जी, उनसे हबीब हाफिज जी से पूछ रहे ये कौन है इनका बता बताए, वो बता नहीं रहे, कह रहे मुझे कुछ पता नहीं है इसका। कितने रुपए ठगी हुई तुम्हारे? 60,000 रुपए इनको दिए गुरु हबीब ने, अपने गुरु को दिवाया, 1,000 रुपए हबीब ने लिए हमसे, 61,000 रुपए लिए। ये पिता पुत्र 2 लोग आए हैं, समीम खान और नसीम खान, इनका आरोप है कि 3 व्यक्ति इनके साथ धोखाधड़ी किए हैं, कुछ तंत्र मंत्र संबंधी सामान इनके कोई परिजन बीमार थे उनके इलाज के लिए इन्होंने मंगा रखा था, और उसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जैसा बता रहे हैं। हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं और इसको जो है शीघ्र ही अभी इनसे और तथ्य पता कर रहे हैं, और पता करके इसमें शीघ्र ही इस प्रकरण को देखा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.